हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैंस्योरेसन्स के क्वेश्चंस का यानी कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस का देखने वाले हैं आज के वीडियो में सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो चैप्टर होता है ये बिना फॉर्मूला के नहीं बनेगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोग को ये जरूरी है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए हर सवाल फॉर्मूला से बनेगा ठीक है और इस इसलिए मैं जब भी मैं क्वेश्चन में बनाऊँ तो ध्यान रखिएगा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और सारे फार्मूला को एक करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा ठीक है तो चलिए समझते हैं हम लोग पहला सवाल क्यों पहला सवाल क्या है क्या पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल हैविंग रेडियस फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू यानी कि पे रेडियस दिया हुआ है सर्किल है एक सर्किल है और उसका रेडियस दिया हुआ है पाँच सेंटीमीटर ठीक है अब इसमें निकालना है क्या पेरीमीटर अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है तो ये भी याद रखना है टू पाई आर होता है ये फार्मूला होता है देखिए ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बैठेगा और फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए तो चलिए इसमें बैठाते हैं इस, है इस फॉर्मूला में पहले तो टू है और पाए मान हमेशा याद रखना है कि पाए कमान बाईस बटा सात हमेशा होता है ठीक है वहीं पर ये आर जो दिया है वो रेडियस है जो कि दिया हुआ इस क्वेश्चन में पाँच सेंटीमीटर ठीक है तो इसको जब हम काट के बनाते हैं देखिए कटेगा तो नहीं ऊपर हम गुना करते हैं तो पाँच दूनी दस दो सौ बीस ऊपर में आता है बट्टी में सात आता है ठीक है तो ये आ गया सेंटीमीटर अभी जब सात से जब दो सौ बीस को भागा करते हैं तो आता कितना है तो इकतीस पॉइंट चार आएगा ठीक है सात से आप दो सौ बीस को भागा दे के देख सकते हैं ठीक है अगले सवाल देखते हैं दूसरा नंबर द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू इससे पहले वाले सवाल में हमने पेरीमीटर पढ़ा था इस सवाल में हम लोग एरिया पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि रेडियस दिया हुआ है पाँच सेंटीमीटर ठीक है पाँच सेंटीमीटर रेडियस है आप पूछ रहा है एरिया ऑफ अच्छा। सर्किल और एरिया ऑफ अच्छा सर्किल का फॉर्मूला होता है पाए आर स्क्वायर ठीक है ध्यान रखना है कि पाए आर स्क्वायर एरिया अच्छा ऑफ अच्छा सर्किल का फॉर्मूला होता है तो पाए मान होता है बाईस बटा सात यू के हमेशा होता ही है और आर मान हमारे पास है पाँच तो क्योंकि पाँच का स्क्वायर दिया हुआ है पाँच का स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं बाईस बटा सात गुना पाँच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस ठीक है नीचे में सात है ऊपर हम गुना करके लिख सकते हैं पच्चीस का पाँच सौ पचास में होगा और नीचे में पाँच सौ पचास को सात से डिवाइड करके देख सकते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो होगा अठहत्तर पॉइंट पाँच स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है तीसरा नंबर सवाल को देखिए इस सवाल में है कि इफ द तो पेरी ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वयर आर इक्वल कह रहा है कि सर्किल का भी पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है ध्यान रखिए तो हम क्या करते हैं कि सर्किल का पेरीमीटर इस तरफ लिखते हैं टू r। हमने लिखा पेरीमीटर और सर्किल दूसरी तरफ स्क्वायर पे, का पेरीमीटर क्या होता है तो वो होता है फोर ए ए क्या होता है साइड से होता है आर तो रेडियस आप जानते हैं तो कह रहा है कि देन द रेसियो ऑफ देर एरिया विल भी उनके एरिया का रेशियो क्या होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम आर इस तरफ और ए इस तरफ है आर बटे ए कर देते हैं तो इस तरफ हमारे पास चार है तो टू पाए हमारे पास नीचे चल जाएगा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आर बटा ए मान है फोर बाय टू पाए अब देखिए नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि रेशियो निकालना है एरिया का दोनों के एरिया का तो पहले हम स्क्वायर का एरिया लिखेंगे तो इस... पहले हम सर्किल के एरिया लिखेंगे तो सर्किल का एरिया होता है पाए स्क्वायर आर स्क्वायर का एरिया होता है फोर ए स्क्वा ठीक है ध्यान रखिएगा ये फार्मूला पहले हमने सर्किल का स्क्वायर लिखा नीचे में हमने एरिया स्क्वायर का एरिया लिखा अब हम लोग पड़म बैठाते हैं इसमें ऊपर हमारे पास क्या है पाए है नीचे में है फोर आप ध्यान से देखिए इस जगह में आर बटा में ए स्क्र है ठीक है आर स्क्वायर में ए स्क्वा है और हमने यहाँ पर निकाल रखा है आर में ए तो हम स्क्वायर कर देंगे तो ये मान आ जाएगा स्क्वायर करते हैं चार का स्क्वायर ऊपर में सोलह हो जाता है और टू पाए यहाँ पे टू पाए तो टू का स्क्वायर चार होता है पाए का स्क्वायर हम कर देते हैं ठीक है तो इसमें क्या हो सकता है देखिए ये चार से सोलह कट जाएगा चार बार में यहाँ पर दो पाए है एक पाए हमारे पास बचेगा नीचे में ये चार चार कट गया तो क्या बचता है इसमें बचता क्या है ऊपर में कुछ तो बचता नहीं है नीचे में पाए बच जाता है ठीक है नीचे में पाए बच गया अब इसको क्या कर सकते हैं पाए के जगह हम नीचे में मान के चलो यहाँ पर लिखते हैं पाए के जगह बाईस बटा सात लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सात ऊपर चल जाएगा और इस तरह से सात बटा बाईस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि सात अनुपात बाईस जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सात अनुपात बाईस अच्छे से देखिए सात अनुपात बाईस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल को देखते हैं चौथा नंबर में द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड एट सेंटीमीटर इज कह रहा है कि एगो सर्किल है और जो कि स्क्वायर के अंदर बना हुआ एक है एक स्क्वायर बनाते हैं देखिए एक स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर में ये समझ लीजिए सारा साइड बराबर होता है इसका ध्यान रखिएगा ठीक है सारा साइड बराबर, था, था है, है, सारा बराबर और उसके अंदर में एक सर्किल बना हुआ है ठीक है तो कह रहा है कि स्क्वायर का साइड दिया अब सेंटीमीटर और सब जानते हैं कि स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं चाहे ये भी आठ हो गए ये साइड तो ये भी साइड ये भी साइड सारे साइड आठ होंगे तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं देखिए इसका रेडियस निकाल ये सर्किल जो अंदर में देखते हैं इसका रेडियस क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा तो आधा क्या होगा आठ का आधा कितना हो जाएगा तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा आठ का आधा कर देंगे आठ बटा दो कर देंगे यानी कि रेडियस आ जाएगा चार तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल पूछ रहा है तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है इसमें जब वैल्यू को बैठाते हैं पाए मान तो पाए का तो ऑप्शन के अनुसार देखिए ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में पाए मान बैठा हुआ तो पाए को हम पाए ही रहने देते हैं ठीक है और आर स्क्वायर आर हमारे पास कितना है तो चार और उसका स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा चार का स्क्वायर सोलह पाए हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सोलह पाए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल पर पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं कह रहा था एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस एट सेंटीमीटर देखिए पिछले वाला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है पहले वाले सवाल में क्या था स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ था लेकिन इसमें क्या करना है कि सर्कल है सर्कल के अंदर में स्क्वायर बना हुआ है थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है अब इसमें क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सर रेडियस सर्कल का रेडियस दे आठ सेंटीमीटर मान के चलिए बीच है सर्कल का बीच है और यहाँ से ये वाला आधा तो आठ हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है तो इधर भी आठ लिख सकते हैं तो इस तरह से ये वाला आप देख रहे हैं इस साइड ये साइड आपका कितना हो जा रहा है सोलह हो जा रहा है आपका ये साइड और ये साइड देखिए स्क्वायर है तो ये दोनों साइड बराबर होंगे और ये वाला साइड है आपका सोलह और आप पाइथागोरस का प्रमे का इस्तेमाल करेंगे तो इधर क्या लिखे हैं सोलह है सोलह का स्क्वायर करेंगे और ये आ ये ए का स्क्र और ए स्क्ोर हमने यहाँ पर पाथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया हुआ है ठीक है तो सोलह का स्क्वायर होता है दो सौ छप्पन उसके बाद ए का स्क्र इधर भी इधर भी तो दो ए स्क्र हो गया दो से दो सौ छप्पन को काटते हैं तो एक सौ अट्ठाईस आता है ठीक है और यानी कि यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्र बराबर एक सौ ठीक है तो हम ए का वैल्यू निकालते हैं तो दूसरे तरफ रूट हो जाता है और एक का कितना निकल के आएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा एक का स्क्वायर हो जाएगा आठ रूट टू हो जाएगा आठ रूट टू यानी ए का वैल्यू यहाँ पर आठ रूट टू आया और क्या रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का रहा और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला हम जानते हैं कि ए स्कोर होता निकल है यानी कि साइड का स्क्वायर होता तो है और साइड हमने आठ रूट निकाला तो आठ को दो बार गुना कर देंगे आठ और आठ रूट टू क्योंकि स्क्वायर तो दो बार गुना करना है तो जब हम गुना करते हैं तो आ जाता है आठ आठ चौंसठ चौंसठ दूनी एक सौ अट्ठाइस यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा एक सौ अट्ठाईस ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ठीक है अगले सवाल को देखते हैं ये छठा नंबर सवाल है कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल एक सौ से चौवन सेंटीमीटर स्क्वायर है देन पेरीमीटर निकालना है एरिया दिया हुआ तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है इसे बैठाते एरिया तो एक सौ चौवन दिया हुआ इस तरफ अब का कमान हम जानते हैं बाईस बटा सात होता है इधर ए स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ आप क्या करते हैं यहाँ पे बाईस देख रहे हैं बाईस से एक सौ चौवन को काट सकते हैं ग्यारह का टेबल में ग्यारह दूनी बाईस और दूसरी तरफ काटते हैं ग्यारह एकम एक ग्यारह ग्यारह छियास चवालीस आ जाता है इस दूसरे चौदह को सात बार में भी काट सकते हैं तो इस तरफ कितना आता है सात आता है और दूसरा तरफ आ जाता है आर स्कोर बटे में सात ठीक है तो ये सात ये साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो आर स्कोर का मान हो जाएगा उन तो इस तरह से आर कमांड कितना होगा उन पचास का किसका स्क्वायर था है सात का स्क्वायर तो ये आर का वैल्यू सेवन आ गया तो कह रहा है पेरीमीटर निकाले तो ए सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला भी हम जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू पाई आर ठीक है इस फॉर्मूला में बैठाते हैं टू पाई का मान होता है बाईस बटा सात और आर हमने अभी निकाला कितना है सात निकाला तो ये सात सात का कट जाता है तो बचता कितना है दो गुना बाईस यानि कि गुना करने पर आता है कितना चवालीस आता है यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चवालीस सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं ये रहा छठा सवाल इस सवाल में देखिए क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल दिया हुआ है एक सौ बीस डिग्री ध्यान रखिए इस तरह के सवालों का एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है देखिए याद रखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ठीता बटा तीन सौ साठ डिग्री पाई आर स्क्वायर ठीक है ठीता बटा तीन सौ साठ डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है तो जब इस फॉर्मूला में बैठाते हैं ठीता मतलब एंगल होता है जो कि हम एक सौ बीस दिया हुआ हम ऊपर में एक सौ बीस लिखते हैं नीचे में हमारे पास तीन सौ साठ डिग्री है पाई का मान हम लिखते हैं बाईस बटा सात साथ ही आर का वैल्यू हमारे पास इक्कीस दिया हुआ तो इसको है तो हम दो बार इक्कीस लिख देते इक्कीस गुना इक्कीस अब हम काटते हैं हमारे पास इधर ये जीरो जीरो कटा बारह का पड़ा हमें छत्तीस बारह चौबीस बार तिया छत्तीस तीन बार में कटता है सात से हम काट देते हैं इक्कीस को सातिया इक्कीस साथ ही तीन से इस तीन को काट देते हैं तो बचता क्या है हमारे पास ऊपर में बचता है बाईस और गुना इक्कीस बचता है ठीक है बाईस गुना इक्कीस बजता है और इसको गुना पढ़ने पर आता कितना है चार सौ बासठ आता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चार सौ बासठ इस सवाल का आंसर हो जाएगा ठीक है उम्मीद है आप लोग को पसंद आ रहा होगा वीडियो तो चलिए आगे वाले सवाल को भी देखते हैं कह रहा है इफ़ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर बारह फिट एंड ग्यारह फिट एक रेक्टेंगल है और इसका लंबाई दिया ये एल है माना लंबाई अब बी है चौड़ाई दिया हुआ तो एरिया पूछ रहा है तो देखिए याद रखिएगा का, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है सीधा एल इंटू बी डायरेक्ट एल इंटू बी दोनों को गुना कर देना एल हमारे पास बारह है और बी हमारे पास ग्यारह है तो दोनों को गुना करने पर कितना आता है एक सौ बत्तीस आता है एक सौ बत्तीस ठीक है एक सौ बत्तीस स्क्वायर फीट हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं आठवां नंबर सवाल को देखते हैं इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज सेवन मीटर देन फाइंड इट्स एरिया एक स्क्र का साइड दिया हुआ है ये स्क्वायर है सारा साइड सात सात दिया हुआ है क्योंकि सारा साइड बराबर होता है आप स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला होता है यानि ए स्क्ोर यानी कि साइड का स्क्वायर और हमारे पास ए यानी साइड दिया हुआ साथ, तो साथ है सात तो सात का स्क्वायर करते हैं तो सात का स्क्वायर होता है कितना उन पचास आता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में उनपचास दिया हुआ है जो कि सही आंसर हो जाएगा ठीक है नौ नंबर सवाल को देखते हैं क्या रहा है द दिड ऑफ ए रेक्टेंगल इज टू मीटर लेस देन इट्स लेंथ कह रहा है एक रेक्टेंगल है पहली बात यहाँ समझ लेते हैं एक रेक्टेंगल है यानी कि आयत है ठीक है आयत में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है लेस देन इट्स लेंथ जो देखिए मान मानकर चलो वीड्थ लिखते हैं यहाँ पर और लेंथ लिखते हैं यहाँ पर कह रहा है लंबाई से चौड़ाई है ना दो मीटर कम है तो लंबाई को मान लेते हैं एक्स देखिए एल को पहले एक्स मान लिया और चौड़ाई जो है ना दो मीटर कम है तो एक्स से घटा देते हैं तो दो मीटर कम है आगे पढ़ते हैं कि इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अड़सठ मीटर दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ तो लेंथ निकालने के अगर तो पेरीमीटर का भी फॉर्मूला हम जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टू एल प्लस बी ठीक है ये फार्मूला होता है अब इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे पिछ पी दिया हुआ अड़सठ पी की जगह हम अड़सठ लिखते हैं फिर लिखते हैं टू और एल के पास हमारे पास दिया हुआ एक्स अब बी यानी कि चौड़ाई ए डब्लू दिया हुआ एक्स माइनस दो ठीक है आगे सॉल्व करते हैं इसमें क्या आ जाता है देखिए इस दो से हम अड़सठ को काट सकते हैं चौंतीस बार में आगे इधर बनाते हैं देखिए यहाँ चौंतीस आ रहा है दूसरा तरफ क्या आ रहा है यहाँ एक्स एक्स टू एक्स हो गया घटाव दो है टू एक्स घटाओ दो है यानी कि टू एक्स इधर आता है अब चौंतीस दो आ जाएगा तो छत्तीस हो जाएगा तो दो से छत्तीस को काटने पर कितना आता है अट्ठारह आता है ठीक है तो एक्स अठारह आ गया यानी एक्स ही तो लंबाई है ठीक है तो 18 यानी लंबाई निकालने बोल रहा यही सही आंसर हो जाएगा ठीक है दसवा नंबर सवाल को देखते हैं कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज पाँच सौ बारह सेंटीमीटर स्क्वायर और कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ इसमें भी लेंथ जो है एल और बी है ठीक है क्या ना लंबाई जो है ना ब्रेड का दो गुना है तो ब्रेड मान लेते हैं एक्स और तो लंबाई गुना दो गुना कर देते हैं टू एक्स लिख देंगे ठीक है चौड़ाई बोल रहा है एक्स दिया हुआ लंबाई उसका दो गुना लिख दिया हमने एक्स और टू एक्स लिख दिया फिर यहाँ पर एरिया दिया पाँच से बारह और हम जानते हैं एरिया रेक्टेंगल जानते हैं क्या होता है एल इंटू बी होता है इसमें इस बैठाते हैं तो एरिया हमारे पास पाँच से बारह दिया हुआ है हम लिखते हैं पाँच से बारह दूसरी तरफ एल है कितना तो टू एक्स दिया हुआ और बी दिया हुआ एक्स ठीक है इस दो से हम पाँच सौ बारह को काटते हैं तो आता कितना है दो दूनी चार दो पाँच छः दस दू छ बारह दो सौ छप्पन आ जाता है दो सौ छप्पन इस तरफ आता है दूसरे तरफ आ जाता है कितना एक्स स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर आ जाता है उसके बाद हम जब दो सौ छप्पन किसका स्क्वायर होता है तो ये हम जानते हैं कि सोलह का स्क्वायर होता है तो एक्स का वैल्यू सोलह आ जाता है यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ आप देख सकते हैं कि बी यहाँ पर हमने बी लिखा हुआ बी दिया एक्स यानि कि सोलह हो गया और एल कितना दिया हुआ टू एक्स है यानी कि दो को एक्स यानी कि सोलह से गुना करना होगा तो बत्तीस हो जाएगा यानि कि लंबाई बत्तीस है चौड़ाई सोलह है लंबाई बत्तीस चौड़ाई सोलह जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सोलह बत्तीस जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक है इस सवाल को देखते हैं ग्यारवा नंबर क्या रहा है कि हाउ मेनी स्मॉल रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर एंड विद्थ छः सेंटीमीटर आर नीडेड टू ए स्क्वायर ऑफ एरिया पाँच सौ छिहत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहा है कि कितना छोटा छोटा रेक्टेंगल का जरूरत पड़ेगा कि एक स्क्वायर का एरिया बनाना तो इसको सीधा सा करिए ऊपर में लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ठीक है ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे लिखते हैं तो अब देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा दिया हुआ पाँच हम लिखते हैं ऊपर पाँच नीचे में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी और एल हमारे पास दिया हुआ आठ और बी दिया हुआ छ तो आठ गुना छः लिखते हैं अब हम काटते हैं तो कटेगा तो छह कप टेबल में कटेगा छत्तीस छो छोटे अड़तालीस छोन चौवन आ गया और छह छक छत्तीस छियानवे बार में कट गया छप टेबल में फिर आठ से काटते हैं आठ एकम आठ आठ दूनी सोलह यानी कि कितना आता है बारह आता है तो सही तरफ क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बारह हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखिए इस सवाल में क्या रहा है कि वाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क पार्कूज एरिया इज चौंसठ मीटर स्क्वायर कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो उसका साइड्स निकालना है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हम जानते हैं क्या होता है साइड देखिए इसको मिटाते हैं फिर से लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है एक का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर और एरिया हमारे पास है चौंसठ और साइड का स्क्वायर एक का स्क्वायर और चौंसठ जो है किसका स्क्वायर होता है तो वो होता है आठ का स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया आठ ये ए जो है वही स्क्वायर का साइड होता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आठ ठीक है इस सवाल को देखते हैं तेरह नंबर में इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है ग्यारह सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ एंड ब्रेथ आर इतना सेंटीमीटर सात सेंटीमीटर कह रहा है कि हाइट निकालना है ठीक है क्यूबॉड देखिए यहाँ पर हम क्यूबॉयड की बात कर रहे हैं क्यूबॉयड का वॉल्यूम का बात करें तो क्यूबॉयड का वॉल्यूम यहाँ के वॉल्यूम की बात कर करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इन इन्ट। बी इंटू एच होता है ठीक है अब वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है ग्यारह छिहत्तर ठीक है आगे एल दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है बारह फिर चौड़ाई भी दिया हुआ है सात लेकिन एच नहीं दिया उन्हें हाइट नहीं दिया यही हाइट ही हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम काटते हैं सात से काटेंगे सात से इसको काटते हैं सात एक कम सात बजता है कितना चार सैतालीस सात छः को बयालीस और पाँच बजता है सात आठ छप्पन हो गया फिर बारह से भी काटते हैं बारह एक कम बारह बारह चौबीस बारती छतीस बारह से अड़तालीस आ जाता है यानी कि चार बार में आ रहा है कि हाइट कितना आ गया हमारे पास चौदह आ गया ठीक है तो हाइट इस क्वेश्चन का हो गया चौदह जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इस सवाल को देखते हैं कह रहा है कि एक वॉल है एक दीवार बना हुआ जिसका डायमेंशन है तीन मीटर बारह सेंटीमीटर सात मीटर ध्यान रखिए यहाँ पर मीटर है फिर सेंटीमीटर है फिर मीटर में एक दीवार है इतना का कह रहा है कि ईंटा लगाना है ब्रिक्स में ईंटा लगाना और हर ईंटा का माप दिया हुआ पच्चीस सेंटीमीटर लंबाई बारह सेंटीमीटर चौड़ाया दस सेंटीमीटर ऊँचाई एक बड़ा सा दीवार बना रहा है बनाना है तो उसमें कितना ईंट लगेगा ये ईंट पूछ रहा है तो सिंपल क्या करेंगे हम ऊपर में पहला वाला लिखेंगे तीन देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए तीन मीटर है पहला वाला तीन मीटर है और अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो एक सौ से गुना करना पड़ेगा तो तीन सौ हो जाएगा तीन को एक सौ से गुना करने पर तीन सौ हो गया दूसरा है बारह सेंटीमीटर ये पहले से ही बारह सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको मीटर करने का कोई ज़रूरत नहीं नेक्स्ट देखिए सात मीटर दिया हुआ तो मीटर तो सेंटीमीटर करने के लिए एक से गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा सात अब हमारे पास नीचे में देखते हैं कितना है बारह ये भी सेंटीमीटर है बारह नहीं ये पच्चीस है पहला वाला पच्चीस है फिर है बारह फिर है दस अब हम काटते हैं इसको देखिए यहाँ पर बारह ये बारह कट जाता है ठीक है ये दस है हमारे पास ये ज़ीरो ये ज़ीरो काटा पच्चीस से काटते हैं पच्चीस को अगर तीन सौ को काट देंगे जैसे पाँच का टेबल में काट लेते हैं पच्चीस को पाँच पाँच छः पच्चीस पाँच छः का तीस यानी कि साठ हो जाता है फिर पाँच से काटते हैं साठ को पाँच का पाँच पाँच दो दस यहाँ पे बारह बचा तो यहाँ पे क्या बचता है इधर बारह बचा और इधर सत्तर बचा ठीक है बारह और सत्तर को गुना को क्या आता है बारह 70 चौरासी और एक जीरो यानी आठ सौ चालीस ईट का जरूरत होगा और इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में चलिए इस सवाल को भी देखते हैं इसमें क्या रहा है द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब इज छियानवे सेंटीमीटर स्क्वायर अब क्यूब का बात कर रहे हैं ध्यान रखना क्यूब है छियानवे छियानवे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालना है। तो याद रखिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है कितना छियान फॉर्मूला होता है सिक्स ए स्क्वायर को तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं सिक्स ए स्क्वायर और सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ छियानवे तो इस तरफ हम छियानवे लिखते हैं फिर इधर लिखते हैं छ ए स्क्वायर इस छः से छियानवे को काटते हैं छः कम छः 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 छत्तीस यानी आता क्या है ए स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया सोलह ठीक है ए स्क्वायर का मान सोलह आ गया तो ए कितना हो जाएगा ए हो जाएगा चार क्योंकि चार का स्क्वायर सोलह होता है फिर क्या रहा है वॉलीम पूछ रहा है ठीक है वॉलीम का फॉर्मूला क्या आता है क्यूब का वॉल्यूम होता है ए का पावर तीन ठीक है साइड का पावर तीन होता है ये फॉर्मूला है तो ए हमने निकाला हुआ है चार और चार को हम तीन बार गुना करेंगे तो आता कितना है चार चार सोलह चार सोलह या चौंसठ आता है आंसर चौंसठ हो जाता है ठीक है अगला सवाल को देखते हैं देखिए अगला सवाल तो नहीं है आज के वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं ठीक है उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा ठीक है